भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद रॉ के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाना भी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का दो टोक ऐलान। उन्होंने कहा कि सी पैक की तरक्की में गवादर बंदरगाह को बुनियादी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 107वें मिडशिप मैन और 16वें शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान के 72 और बहरीन, सऊदी अरब, कतर के 28 कैडेट्स पास आउट। जनरल जुबैर महमूद हयात ने अफसरान में एजाजात तकसीम किए। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वजीर आजम को मशवरे दिए और कहा कि जो हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है कोई मोजज़ा ही आपको बचा सकता है। वजीर दाखिला काबीना इजलास में खुलकर बोले, गिले शिकवे भी किए, जूनियर लोगों को आगे लाया गया, मुझे किसी मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि मुराद अली शाह 2012 में दोहरी शहरियत केस में नाअहल हो चुके हैं। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में मुराद अली शाह को तमाम मराआत और तनख्वाहें वापस करने का हुक्म दिया था, लेकिन मुराद अली शाह ने अब तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने ट्रैफिक सार्जेंट की हलाकत के केस में रुकने बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल मजीद अचकजे की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में ही उनकी दरख्वास्त जमानत पर पहले से महफूज फैसला सुना दिया, जिसके तहत उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गयी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का NA-260 पर आज ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुक्मरान इत्तेहादी जमात पश्तून अवाम एक्ट के जमाल तरकई, BNP मेंगल के मीर बहादुर खान मेंगल और JUIFA के मीर उस्मान बादीनी में कड़ा मुकाबला मतवक्के है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम जारी, दो मासूम कश्मीरियों से जिंदगी छीन ली। घर घर तलाशी के दौरान दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय फौजी दनदनाते हुए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। काबिज फोर्सेस की भारी नफरी ने मकबूजा कश्मीर के आवाम को यरगमाल बना रखा है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में जिला फरखाबाद के नजदीक रेलगाड़ी में सवार एक मुसलमान खानदान को हिंदू इंतहा पसंद हुजूम ने बाकायदा शनाख्त करके उनके साथ मारपीट और लूटमार की, जबकि रेलवे पुलिस ये सारा तमाशा देखती रही। ताइवान के अराकीन पार्लियामेंट ने एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया बल्कि मुखालिफिन पर कुर्सियां भी बरसाई, जिससे ऐवान मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। कराची में बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो गया, जिससे शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का नया सिस्टम शहर में दाखिल होने से कराची में मंगल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर के इलाके समनाबाद में फैक्ट्री पर छापा, 7000 किलो जाली केचप बरामद, फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। पाकिस्तान के हॉकी अंपायर हैदर रसूल ने 100 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग का एजाज हासिल कर लिया। हैदर रसूल मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी अंपायर हैं। साबिक श्रीलंकन कप्तान राणा टुंगा ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में फिक्सिंग के शुबे का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में श्रीलंकन टीम की अच्छी कारकर्दगी के बावजूद शिकस्त पर बहुत मायूस हुआ, तहम मैं तमाम चीजें आज नहीं बता सकता। और बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और पटौदी खान के छोटे नवाब, जी हां, सैफ अली खान की नई आने वाली बॉलीवुड फिल्म कलाकंदी का पहला टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म रवां साल 8 सितंबर को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, तहिका न्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर बेग और मैं हूं नुसरत खलील। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।